हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मैथ्स के बारे में। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ। इसमें बात करेंगे हम लोग उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें देखेंगे। याद रखिए, आपके जितने भी मैप्स से संबंधित चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं वो सभी मैप्स के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की स्थिति कहाँ है। उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये है आपकी प्यारी पृथ्वी, इसमें आपका प्यारा भारत है, ये है आपका अपना प्यारा भारत। थोड़ा भारत को जूम करके देख लें, ये श्रीलंका है, यही लक्षद्वीप सागर है, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश है, म्यांमार, बर्मा, भूटान, नेपाल, यहाँ ऊपर चीन लगा हुआ है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, पीओके वाले से अफगानिस्तान लगता है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, फिर आपका ये अफ्रीका है, नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऊपर आपका यूरोप है, ये आपका यूरोप लगा हुआ है ऊपर। इस तरफ आए तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, नीचे यहीं आपका ये दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका है, ऊपर आपका उत्तरी अमेरिका है जिसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, वो है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो आर्कटिक सागर है ऊपर, ये हडसन की खाड़ी, उत्तरी पश्चिमी मार्ग, ये कनाडा है, शिकागो, ओटावा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स, लास वेगास, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, सैन डिएगो, ये प्रमुख स्थान है, सिटी, ये आपकी मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये मैक्सिको सिटी है। ठीक है, ये यहाँ मैक्सिको की खाड़ी देख ही ली, ग्वाटेमाला, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा, ये पनामा, क्यूबा, कैरिबियाई सागर है यहाँ। ठीक है, तो ये है आपकी उत्तरी अमेरिका। इसी में बात करते हैं हम लोग अब इनकी स्थिति के बारे में कि झीलें कौन कहाँ है। ठीक है, ये है आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये है आपकी लिम्ना झील, लिम्ना झील के बारे में। तो याद रखना लिम्ना झील के बारे में कि अलास्का में एलियुसियन श्रेणी के उत्तर स्थित एक हिमाच्छादित झील है। ठीक है, फिर आपकी ग्रेट बियर झील है, ग्रेट बियर झील है आपकी, ये आपकी कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में आर्कटिक वृत्त पर एक स्थित एक झील है जिसका जल ग्रेट बियर नदी से होकर मैकेंजी नदी में प्रवाहित होता है। झील के पूर्वी तट पर रेडियम अयस्क का निक्षेप है, एस्किमो जनजाति इसके तट पर अपना इग्लू बर्फ का घर बनाते हैं, यही आपका ग्रेट स्लेव झील है नीचे। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है, ग्रेट स्लेव झील कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में स्थित मीठे पानी की झील है। आथावास्का झील से निकली स्लेव नदी इसमें गिरती है, मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलती है, जिप्सम पॉइंट इसी झील के किनारे स्थित है। फिर नीचे आए तो इसमें आथावास्का झील है, कौन सी आथावास्का झील, ये आपकी कनाडा के अल्बर्टा तथा सस्केचवान प्रांतों की सीमा पर स्थित है आथावास्का। फिर ये रेंडियर झील है नीचे आपकी, जो रेंडियर झील है आपकी कनाडा के पश्चिमी भाग में अवस्थित रेंडियर झील की उत्पत्ति हिमनदों के पिघलने के कारण हुई है। इस झील के चारों ओर ग्रीष्म काल में भारी संख्या में रेंडियर जनजाति के झुंड देखे जा सकते हैं। ठीक, तो नीचे आए तो आपका ये चिल्को झील है, चिल्को झील है जो ये कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के फ्रिजियर पठार के दक्षिणी रॉकी पर्वत पर अवस्थित एक झील है जिसका जल चिल्को नदी में प्रवाहित होकर उत्तरी प्रशांत महासागर में गिरता है। फिर नीचे आए तो ग्रेट साल्ट झील है आपकी, ये आपकी ग्रेट साल्ट झील है,
ग्रेट साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाह प्रांत में स्थित खारे जल की झील है। इसके दक्षिणी उटाह झील तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है। ये आपकी मीड झील है, यही यही फोवेल झील है। फिर ये आपकी रेड झील, कौन सी? रेड झील संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनीसोटा प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, फिर बात करें आपकी ये विनीपेग झील है, कौन सी? विनीपेग कनाडा के मिनीटोबा प्रांत में एक पुरानी प्लेस्टोसीन हिमानीकरण निर्मित झील है, जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक स्थल है। इसमें इस सस्केचवान रेड तथा विनीपेग नदियां गिरती हैं। झील के चारों तरफ कनाडा का सबसे बड़ा दलदली भूभाग है। फिर यही ये आपकी बगल में ही बुड़ झील है, कौन सी? बुड़ झील कनाडा के ओंटारियो प्रांत की दक्षिणी सीमा पर एक झील, जिसका आधा भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में यह उत्तरी स्थित बेनी बेपिने झील में मिलती है। फिर यहीं आए ये आपकी सुपियर झील है। सुपियर झील के बारे में याद रखिए, सुपियर झील है जो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित 405 मीटर गहरी झील, जो सू नहर तथा द्वारा ह्यूरन झील से संबद्ध होती है। पांच महान झीलों में यह सबसे बड़ी है। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह सेंट मैरी नदी द्वारा ह्यूरन झील से संबद्ध है। यही आपकी मिसिगन झील है, यही लगी हुई है मिसिगन झील। मिसिगन झील है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक झील, जो मैकिनाक जलसंधि द्वारा ह्यूरन झील से संबद्ध है। पांच बेहद झीलों में तीसरी सबसे बड़ी झील है, जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। शिकागो नगर इसके दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ठीक, फिर आए मिसिगन झील के बाद आपकी ये नेपिगन झील है, कौन सी? नेपिगन झील, याद रखिए नेपिगन झील के बारे में। कनाडा के ओंटेरियो प्रांत के दक्षिणी भाग में स्थित एक झील, जिसका जल निपीगन नदी से होकर सुपीरियर झील की निपीगन की खाड़ी में गिरता है। यही आपकी चेलको झील है, ये ह्यूरन झील है। आपकी ह्यूरन झील है ग्रेट लेक्स की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसकी गहराई है 244 मीटर। सेंट क्लेयर नदी के द्वारा यह इरी झील से और सू नहर के द्वारा सुपीरियर झील से संबद्ध है। ठीक, फिर यही आपकी ह्यूरन झील हो गई, ये आपकी इरी झील है, कौन सी? इरी झील, ये आपकी इरी झील है। इरी झील के बारे में याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर अवस्थित है झील, जो ऑन्टेरियो झील से बेलेंड स्ट्रीप नहर तथा नियागारा नदी द्वारा संबद्ध है। इसके पूर्वी किनारे पर बफेलो औद्योगिक नगर स्थित है। फिर आपकी ऑन्टोरियो झील, ऑन्टोरियो झील यह उत्तरी अमेरिका की पांच बड़ी झीलों में से यह सबसे छोटी झील है। इसकी गहराई भी सबसे कम, केवल 64 मीटर है। ठीक, फिर ऊपर आए तो आपकी मेंटो झील, ये आपकी मेंटो झील है। मिस्टासिनी झील है ये आपकी। ठीक, हम नीचे देखते हैं, ये आपकी मना गुआ झील है, यही निकार गुआ झील है, और ये है स्कोबल झील। ठीक, स्कोबल झील पनावा में स्थित एक झील है, जो ग्राटून झील के समीप स्थित है। ठीक है, तो ये थी आपकी अवस्थित झील। अब इससे संबंधित जो पॉइंट हैं उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं, जो याद रखना है आप लोगों को। पहली अथावास्का झील, कनाडा के अल्बर्टा तथा सस्केचवान प्रांतों की सीमा पर स्थित एक झील है। दूसरी है इरी झील, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर अवस्थित झील, जो ऑन्टेरियो झील से बेलेंड स्वीप नहर तथा नियाग्रा नदी द्वारा संबद्ध है। इसके पूर्वी किनारे पर बफेलो औद्योगिक नगर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 25,673.5 वर्ग किलोमीटर तथा लंबाई 624 किलोमीटर है। पांच बेहद झीलों में से यह चौथी सबसे बड़ी झील है। यह डेट्रॉइट नदी तथा सेंट क्लेयर नदी द्वारा ह्यूरन झील से संबद्ध है। फिर स्कोबल झील,
पनामा में स्थित एक झील जो गाटून झील के समीप स्थित है, इससे होकर पनामा नहर कैरिबियन सागर तथा प्रशांत महासागर को संबद्ध करती है। फिर ग्रेट बियर झील कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में आर्कटिक वृत्त पर स्थित एक झील है, जिसका जल ग्रेट बियर नदी से होकर मैकेंजी नदी में प्रवाहित होता है। झील के पूर्वी तट के पर रेडियम एस्क का निक्षेप है। एस्किमो जनजाति इसके तट पर अपना इग्नू बर्फ का घर बनाते हैं। फिर एक ग्रेट स्लैब झील कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में स्थित मीठे पानी की झील है। आथावास्का झील से निकली स्लेव नदी इसमें गिरती है। मिकेंजी नदी इसकी ग्रेट स्लैब झील से निकलती है। जिप्सम पॉइंट इसी झील के किनारे है, ठीक है। फिर एक ग्रेट साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका के ओटाहा प्रांत में स्थित खारे जल की झील है। इसके दक्षिण में ओटाहा झील तथा साल्ट लेक सिटी स्थित। फिर चिल्को झील कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के फेजर पठार के दक्षिण रॉकी रॉकी पर्वत पर अवस्थित एक झील है, जिसका जल चिल्को नदी में प्रवाहित होकर उत्तरी प्रशांत महासागर में गिरता है। फिर मिनीटोबा झील कनाडा के मिनीटोबा प्रांत में बेनीपेग झील के दक्षिण स्थित एक झील, जिसका जल डॉफिन नदी द्वारा बेनीपेग झील में गिरता है। फिर मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक झील जो मैकिनाक जलसंधि द्वारा ह्यूरन झील से संबद्ध है। पांच बेह झीलों में यह तीसरी सबसे बड़ी झील है जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। शिकागो नगर इसके दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। फिर आपकी येलोस्टोन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में वायोमिंग प्रांत के उत्तर पश्चिमी भाग में येलोस्टोन नदी पर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क यहीं स्थित है। फिर आपकी रेड झील संयुक्त राज्य अमेरिका की मिनीसोटा प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित एक झील है। फिर आपकी लिम्ना झील अलास्का में एल्यूसियन श्रेणी के उत्तर स्थित एक हिमच्छादित झील है। फिर बेनीपेग झील कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में एक पुरानी प्लेस्टोसीन हिमानीकरण निर्मित झील है, जो ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल है। इसमें सस्केचवान रेड एवं विनीपेग नदियां गिरती हैं। झील के चारों तरफ कनाडा का सबसे बड़ा दलदली भूमि भूभाग है। फिर आपका बुड़ झील कनाडा के ओंटेरियो प्रांत की दक्षिणी सीमा पर स्थित एक झील है, जिसका आधा भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह उत्तर स्थित वेपिनेक झील में मिलती है, ठीक। ये हम लोगों ने देख ही लिया है। लिम्ना झील है, ग्रेट बियर झील है, आपकी ये ग्रेट स्लिप झील है, आथा ओस्का झील है, रेंडियर झील, मेंटो झील, ये आपकी चिल्को झील है, बेनीपेग झील, यही बुड झील, नेपीगन झील, आपकी मिस्टासिनी झील, ये सुपियर झील है आपकी, ये मिशिगन झील, ये आपकी ह्यूरन झील है, ये चिल्को झील, ऑन्टेरियो झील है ये आपकी, ये इरी झील है, यहाँ आपकी रेड झील है, ग्रेट साल्ट झील है, यही पोवेल झील है, मिड झील है, नीचे आए तो आपकी ये मानवा झील है और निकारगुआ झील है, ठीक है, स्कोवल झील है। इनकी पहले भी स्थिति देख चुके हैं हम लोग। सुपियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित 405 मीटर गहरी झील जो सू नहर द्वारा ह्यूजन झील से संबद्ध है। पांच महान झीलों में से यह सबसे बड़ी है। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सेंट मैरी नदी द्वारा ह्यूरन झील से संबद्ध है। निपीगन झील कनाडा के ओंटेरियो प्रांत के दक्षिणी भाग में स्थित एक झील, जिसका जल निपीगन नदी से होकर सुपियर झील के निपीगन खाड़ी में गिरता है। फिर एरी झील ग्रेट लेक्स में चौथी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इसके तट पर डेटाइट टोलेडो क्वीलैंड तथा बफेलो द्वीप नगर अवस्थित है। यह एरी नगर द्वारा
नहर द्वारा झील ह्यूरन झील से संबद्ध है, साथ ही बेलेंड नहर द्वारा ओंटेरियो झील से जुड़ी हुई है। इरीवा ओंटेरियो झील के मध्य नियाग्रा जलप्रपात है। फिर आपकी ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका की पांच सबसे बड़ी मीठे पानी की पांच झीलों में को संयुक्त रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति हिमानी युग में हुई। क्षेत्रफल के आधार पर इसका क्रम है सुपीयर, फिर उसके बाद ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो। इसमें विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीयर झील सबसे गहरी है। सुपीयर झील की गहराई है 405 मीटर। सबसे कम गहरी झील है ओंटेरियो, केवल 64 मीटर। फिर आपकी ह्यूरन झील ग्रेट लेक्स की दूसरी सबसे बड़ी झील जिसकी गहराई है 244 मीटर। सेंट क्लियर नदी के द्वारा यह इरी नदी से और सू नहर के द्वारा सुपीयर झील से संबद्ध है। ओंटेरियो झील उत्तरी अमेरिका की पांच बड़ी झीलों में से यह सबसे छोटी झील है। इसकी गहराई सबसे कम केवल 64 मीटर है। यह बेलेंड नहर द्वारा संबद्ध है। सेंट लॉरेंस नदी इससे होकर विभाजित होती है। फिर आपकी रेंडियर झील कनाडा के पश्चिमी भाग में अवस्थित रेंडियर झील की उत्पत्ति हिमनदों के पिघलने के कारण हुई। इस झील के चारों ओर ग्रीष्म काल में भारी संख्या में रेंडियर जनजाति के झुंड देखे जा सकते हैं। बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की पांच महाझीलों को देख लेते हैं। देख तो लिया है लेकिन हम लोग एक बार और। ये आपकी सुपीयर झील है, यही आपका डुलुथ है, ये आपकी मिशिगन झील है, यहाँ मिलवाउकी है, ये शिकागो है, यही गैरी है, यहाँ डेक्टाइट है, ये ह्यूरन झील है आपकी, ठीक है, यही ये इरी झील है, यही हैमिल्टन है, बफेलो है, ओंटारियो झील है, यही थाउसेंड द्वीप है आपका, यही सेंट लॉरेंस नदी यहाँ बहती है और मॉन्ट्रियल यही है, ऊपर क्यूबेक है। तो ये थी आपकी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत की, सॉरी दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख झीलों को, ठीक है।